धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि लक्ष्मी अर्थात धन का मोह नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ वे लोग भी होते हैं जो धर्म से अधिक धन को महत्व देते हैं। इसलिए अक्सर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि लक्ष्मी बड़ी या धर्म। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा आज की इस कथा में। साथियों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरणादायक होने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरे ध्यान से आखिर तक सुने। तो चलिए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी और धर्म में बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूं और धर्म कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों में काफी तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन वे दोनों किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। तब दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र दोनों को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि देवी लक्ष्मी और धर्म, क्या बात है, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हैं? तब धर्म और देवी लक्ष्मी अपनी बात देवराज इंद्र के समक्ष रखते हैं। धर्म ने कहा, हे देवराज, हम दोनों आपके पास एक फैसला कराने आए हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। यह बात सुनकर देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बताया तो धर्म का साथ खो बैठूंगा, और यदि धर्म को श्रेष्ठ बताया तो देवी लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और मेरा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। देवराज किसी भी निर्णय को नहीं ले सके। आखिरकार उन्होंने कहा, हे धर्म, हे देवी लक्ष्मी, पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय राजा है जिसका नाम है विक्रमादित्य। वह आपकी समस्या का निवारण मुझसे भी अच्छे तरीके से कर सकता है कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। मेरा यह मत है कि आप दोनों को उसी महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य के पास ही जाना चाहिए। साथियों, इससे पहले कि आप इस कहानी की रोचकता में खो जाएं, अगर आपने अनमोल साथी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ ही बगल में बने घंटी के निशान को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देवराज इंद्र की बात सुनते ही देवी लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, हम महाराजा विक्रमादित्य के पास ही जाते हैं। फिर धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंचते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य देवी लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो वे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और सिंहासन पर बैठाते हैं। फिर पूछते हैं, कहिए, आपका यहां कैसे आना हुआ, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं? लक्ष्मी कहती है, हे राजन, हमने सुना है कि आप एक न्यायप्रिय राजा हैं, इसलिए मैं और धर्म आपके पास एक विवाद का निर्णय कराने आए हैं, आप हमारा न्याय करें। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? तब धर्म ने कहा, राजन, आप इसका निर्णय कीजिए कि मैं बड़ा हूं या लक्ष्मी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसके जीने का कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के मनुष्य एक मुर्दे के समान है। मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खालीपन आ जाता है अगर उसके पास धर्म ना हो। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे राजन, अगर लक्ष्मी ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने ध्यान से उन दोनों की बातों को सुना और समझा। वे समझ गए कि यह एक बहुत ही कठिन न्याय है, क्योंकि अगर मैं देवी लक्ष्मी को मना करता हूं और ये कहता हूं कि धर्म बड़ा है आप नहीं, तब महालक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी, और अगर मैं यह कहता हूं कि लक्ष्मी बड़ी है तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रकार काफी सोच विचार करके महाराजा विक्रमादित्य ने अपना निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो मनुष्य पशु के समान होता है,
उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सुखी जो भी कुछ खाकर रह सकता है और अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैं धर्म को चुनता हूं। मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने धर्म का चुनाव किया, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूं। आज के बाद तुम निर्धन हो जाओगे। ऐसा कहते ही देवी लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं और महाराजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं। मगर धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ ही रहता है। तब देखते ही देखते कुछ ही समय में राजा विक्रमादित्य बिल्कुल निर्धन और गरीब हो जाते हैं और सभी उनका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह जाते हैं। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि मेरा यहां रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि पास ही में मेरी बहन रहती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी बहन के पास रुककर कुछ भोजन और विश्राम कर लूंगा, फिर आगे का सफर तय करूंगा। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य की बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और फटेहाल हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे, मैले और फटे हुए हैं। यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के अस्तबल में रुकने को कहो और वहीं पर उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो, मैं कुछ देर बाद आती हूं। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के अंदर पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया जहां पर घोड़े बांधे जाते थे। महाराजा विक्रमादित्य यह सब देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठते हैं और अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है तो वह उनके खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती है। यह देखते ही महाराजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं और फिर वो अपनी बहन से कहते हैं, बहन, तुम रोटी तो ले आई लेकिन पानी भी तो ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जब विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है तो विक्रमादित्य उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं और कहते हैं, धरती माता, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा, मैं एक बार फिर से आऊंगा और आपसे इस रोटी की मांग करूंगा, तब आप मुझे यह दे दीजिएगा। धरती माता उस रोटी को अपने अंदर समाहित कर लेती है। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से भी कुछ ना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है तो वे सोचते हैं कि यह मेरा बहुत ही प्रिय और घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूं, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूंगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठते हैं उन्हीं के पास एक खूंटी थी। खूंटी पर ही मित्र की पत्नी का नौ लखा हार लटक रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य भोजन का एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वह जो खूंटी होती है उस हार को अपने अंदर समाहित करने लगती है, उसे निगलने लगती है। यह बात देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि यह जो कुछ भी हो रहा है सब देवी लक्ष्मी की वजह से हो रहा है, वे मुझसे रुष्ट हैं और बहुत क्रोधित भी, वही यह सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब विक्रमादित्य पूरा भोजन समाप्त करते हैं
तब वह खूंटी पूरी तरह से उस हार को अपने अंदर निगल जाती है। जब उस मित्र की पत्नी यह देखती है कि उसका नौ लखा हार खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य को चोर समझने लगती है। वह विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाती है और कहती है, आपने ही मेरे हार को चुराया है, आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया है। लेकिन विक्रमादित्य के मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूं, यह कभी चोरी नहीं कर सकता। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती है। साथियों, इतना सब होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य कुछ भी नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर फिर से तय करने लगते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है और वे सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह सफर करेंगे। यह सोचकर राजा अपने घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं। राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन चोरों ने राजा के राजमहल में चोरी की थी। सैनिकों को पास आते देख दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं और हमें पकड़ लेंगे। तब वे चोर चोरी किए हुए धन को विक्रमादित्य के पास ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब राजा के सैनिक विक्रमादित्य के पास आते हैं तो देखते हैं कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा हुआ है, तो वे सोचते हैं कि यही चोर है। सैनिक विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें कैद करके राजा के पास ले जाया जाता है। राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि क्या तुमने ये धन चुराया है। विक्रमादित्य कहते हैं, राजन, मैंने कोई धन नहीं चुराया, लेकिन अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। इस बात से क्रोधित होकर राजा आदेश देता है कि इस व्यक्ति के हाथ पैर काट दिए जाएं और इसे अपंग बना दिया जाए। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य के हाथ और पैर काट दिए जाते हैं। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे सबक लें कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब जो भी उस चौराहे के पास से गुजरता है, विक्रमादित्य को देखकर उन पर थूकता है और उन्हें गालियां देता है और कहता है, यह तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। ऐसा कहते हुए वे लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसी रास्ते से एक ग्वाला घी की मटकी लेकर गुजर रहा था। वह बहुत ही दयालु था। विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है, तो वे उस व्यक्ति से कहते हैं, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पिलाया और कहा, तुमने चोरी क्यों की? अगर चोरी नहीं की होती तो ऐसी सजा नहीं मिलती। तुम चोर हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूं। तब विक्रमादित्य कहते हैं कि हे राहगीर, आपने मुझे पानी पिलाया, अब एक उपकार और करें। मेरे घावों पर मक्खियां बैठ रही हैं, जिससे मुझे काफी तकलीफ हो रही है, कृपया थोड़ा सा घी मेरे घावों पर लगा दीजिए। ग्वाले को विक्रमादित्य पर बहुत दया आती है, वो उनके घावों पर थोड़ा सा घी लगाता है और वहां से चला जाता है। जब ग्वाला दूसरे नगर में घी बेचने के लिए जाता है तो वह घी तो बेचता है, लेकिन उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान हो जाता है कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूं, फिर भी मेरे मटके से घी खत्म हो ही नहीं रहा। पूरे दिन की कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती है। फिर वह अपने घर को आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई, मैंने राजा के द्वारा सजा पाए गए एक इंसान की मदद की और उसे पानी पिलाया, उसके घावों पर घी लगाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज्यादा घी मटके में बढ़ता जा रहा था।
मटके से घी खत्म ही नहीं हुआ। लगता है वह जरूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हमारे पास एक भी संतान नहीं है, हम संतान के सुख से वंचित हैं, हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेते आइए, हम उसे अपना बेटा समझकर, अपना बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोगों के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र के होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब वह ग्वाला अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राजा के पास जाता है और कहता है, हे महाराज, आपने जिस अपराधी के हाथ पैर काटकर चौराहे पर बैठा दिया था, मैं उसे गोद लेना चाहता हूं, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तब महाराज ने कहा, ठीक है, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसके हाथ पैर तो है नहीं, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। यह सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकर की सहायता से अपने घर को ले जाता है। उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाता है, अच्छा भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे, हमारी कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही सही हमें संतान का सुख तो मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूं, क्या तुम्हें हमारा पुत्र बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हां, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। साथियों, उसी नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत ही विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी तो दीपक स्वयं जल जाया करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती, गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते, और जब रात्रि हो जाती, जब सबके सोने का समय होता, तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती। यह सब राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। एक दिन उन्होंने भी दीपक राग गाकर उन दियों को फिर से जला दिया। जब वह राजकुमारी यह देखती है तो वह समझ जाती है कि दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं, वे इसी नगर में हैं। यह सोचकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, फिर राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा राज्य में स्वयंवर के लिए आते हैं और इस समय राजा उस ग्वाले को आदेश देते हैं कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम इसकी व्यवस्था करो। अब ग्वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ जाता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी के दीपक जलने हैं, घी के पकवान बनने हैं, 100 घड़े घी चाहिए, लेकिन मैं कहां से इतने घी का इंतजाम करूंगा? तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे पिताश्री, आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस ग्वाले ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है, तुम कैसे घी का इंतजाम करोगे, कहां जाओगे, कहां से लाओगे? विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूं, जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब कल जाते समय आप मुझे भी लेकर चलिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताश्री, आप महाराज से कह दीजिए कि वे 100 घड़े भिजवा दें, घी की व्यवस्था हो जाएगी। राजा के महल से उसके नौकर 100 घड़े लेकर आते हैं और विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तो विक्रमादित्य अपने तपोबल और शक्ति से उन घड़ों को घी से भर देते हैं। जब सुबह होती है तो ग्वाला इतना सारा घी देखकर बहुत खुश होता है, तब वह जान जाता है कि मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ग्वाले ने खुशी खुशी 100 घड़े घी को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता धुलाता है और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने नौकर चाकर की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है। उस राज दरबार में
दूर दूर से राजकुमार, राजा, महाराजा आए हुए थे। सब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती है। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य की तलाश करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना है, वो इसी नगर में है। अगर वे इसी नगर में हैं तो वे स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नजर कोने में पड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे और शरीर से अलग ही आभा प्रकट हो रही थी। यह देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है कि हो ना हो यही है राजा विक्रमादित्य, और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ करके विक्रमादित्य के गले में माला पहना देती है और उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा यह देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया है। अगर आपको पता था कि आपकी पुत्री एक अपंग, एक अपाहिज से विवाह करने वाली है तो आपने हमें यहां पर क्यों बुलवाया? आपने हमारा अपमान किया है यहां बुलाकर। तब राजा ने दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं, राजकुमारों और महाराजाओं से विनती की और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब क्या किया जा सकता है। यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली है विवाह तो उससे ही होगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। आखिरकार हार मानकर राजा को राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से ही करना पड़ता है और उसी के साथ अपनी बेटी को ससुराल विदा भी करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपनी नववधू को लेकर उस ग्वाले के घर चले आते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। यह सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन नहीं होता कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति की इच्छा का मान रखते हुए वह अपने भाइयों के पास जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई है, आप मुझे हिरण का मांस ला कर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती क्योंकि वह सोचती है कि मेरे पति का अपमान किया जाएगा। इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, कहती हैं कि चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना और उससे शादी क्यों की? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से विवाह करना चाहिए था ताकि वह तुम्हें हिरण का मांस लाकर देता। यह बात सुनते ही राजकुमारी वापस चली आती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं अपने भाइयों के घर गई थी लेकिन ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभियों के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। यदि तलवार और घोड़ा आपके साथ ना आए तो उन्हें ये रुमाल दिखा देना, वो शांत हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपनी भाभियों के पास जाती है और अपनी भाभियों से कहती है, भाभी आप मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभियां सोचती हैं कि वैसे भी उस घोड़े और तलवार ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है वह घोड़ा और तलवार इस राजकुमारी को ही दे दें, खुद ही कट मर जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है तब देखते ही देखते वह तलवार सांप बनकर उसके ऊपर टूट पड़ती है और घोड़ा भी उछल उछल कर दुलाती मारने लगता है। राजकुमारी अपने साथ जो रुमाल लाई थी वह उन्हें दिखाती है। रुमाल को देखते ही तलवार और घोड़ा शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बिठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर ग्वाले ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे हाथ पांव नहीं है,
फिर तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे? तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप कृपया कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे की जिद के आगे उस ग्वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर चाकर से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उस घोड़े पर बिठाया। जब वे सर ऊपर करके देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर सही सलामत हैं। उनके हाथ पैर फिर से आ चुके थे, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को आगे बढ़ती है कि हे महाराज, यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि यह कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकारों के कान और पूंछ काट लेते हैं और शिकार को वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। उसी जंगल में इसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वे देखते हैं कि वहां पर पहले से ही किया कराया शिकार पड़ा हुआ है और ताजा ताजा शिकार है, तो उनका मन मचल जाता है। वे बहुत खुश हो जाते हैं और बिना शिकार किए ही वे उस पड़े हुए शिकार को उठा ले आते हैं। जब राजा विक्रमादित्य घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को बताते हैं कि मेरे हाथ पैर कैसे वापस आ गए, कैसे मैं ठीक हो गया। उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पैर वापस सही हो गए हैं और मेरा नाम है विक्रमादित्य, मैं एक राजा हूं। यह बात सुनते ही ग्वाला राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरे सगे संबंधियों से भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया है, मुझे अपना पुत्र बना के रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा, तुम एक बार फिर से अपनी भाभियों के पास जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है, और जब आपकी भाभियां उस शिकार को दिखाएं, इस थैले में जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे वहां पर पलट देना और फिर मेरे बारे में बताना। यह सुनते ही वह राजकुमारी अपनी भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, आज भैया जो शिकार करके लाए हैं मैं उसे देखना चाहती हूं। भाभी कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार कर सकता नहीं है, मेरे पति द्वारा किया गया शिकार ही देख कर ललचा लो। उस राजकुमारी की भाभियों ने वह सारा शिकार राजकुमारी को दिखाया। राजकुमारी ने कहा, भाभी, यह शिकार तो है लेकिन इसके पूंछ और कान कहाँ है? भाभी बोली, हमें क्या पता कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी अपने साथ जो थैला लाई थी उसे पलट देती है। उस थैले में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियां पूछती हैं कि यह कहां से आया, तो उसने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा किया गया है। तब राजकुमारी सारी बातें सुनाती है और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमादित्य है। यह बात सुनते ही भाभियों के कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं और मैंने आपके हाथ पांव कटवा दिए, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी हुआ है वह सब देवी लक्ष्मी जी की वजह से ही हुआ है, उन्हीं के रुष्ट होने की वजह से आप लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई थी, इसी कारण यह सब हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर क्या था, राजा ने अपने दामाद की बहुत ही सेवा और सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं अपने नगर जाना चाहता हूं। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लाभ लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया।
रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है। वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य का मित्र भोजन करने का आग्रह करता है। खाना खाते समय पहला निवाला मुंह में डालते ही वह खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। यह देखते ही उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमने सोचा आपने हमारा हार चुराया है। यह नौला का हार तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निकल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको चोर कहा और आपको अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी हुआ मति भ्रमण के कारण हुआ है, माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी इसलिए ही हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है, तब वह अपने बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। सैनिक कहते हैं कि आपका भाई बड़े से लाव लश्कर के साथ सजा धजा अपने घोड़े पर बैठकर और अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तब उस बहन ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहराने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है, उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उसी अस्तबल में ले जाते हैं जहां घोड़े बांधे जाते थे और धरती माता से कहते हैं, हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूं, कृपया कर मुझे अपनी अमानत दे दीजिए। यह कहते ही धरती फट जाती है और उसमें से रोटी निकल आती है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, बहन, तुमने पिछली बार मेरे आने पर इसी रोटी को खाने के लिए दिया था। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अपनों के साथ किसी भी स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपनों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चले आते हैं तब नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य के सम्मुख प्रकट होती हैं और कहती हैं, हे विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, तुम्हें खूब प्रताड़ित भी किया, लेकिन फिर भी मेरी इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूं कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहां धर्म रहेगा वहां लक्ष्मी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि चिरकाल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और राजा विक्रमादित्य का राजमहल और राजपाट वापस आ जाता है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से राज्य करने लगते हैं। तो साथियों, आपको यह कथा कैसी लगी? आशा है आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।